नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ में एक पिकअप वाहन से भैंसों को ले जा रहे वाहन चालक को पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मीडिया सेल पिथौरागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, जाजर देवल क्षेत्र में सलमोड़ा बैरियर के निकट थाना अध्यक्ष जाजर देवल प्रकाश चंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन UK 05 CA 7575 को रोककर चेक किया गया, तो वाहन में रस्सियों से बांधी गई 3 भैंस बरामद हुई। वाहन चालक से भैंसों को परिवहन करने के संबंध में कागजात मांगे गए तो चालक असमर्थ रहा, जिस पर पुलिस द्वारा भैंसों को क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जाने पर चालक रोहित सिंह गुज्जर निवासी बरम थाना जौलजीबी को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। पुलिस की पूछताछ में वाहन ने बताया कि वह बरम से भैंसों को लेकर पिथौरागढ़ की ओर जा रहा था। एक गोपनीय सूचना पर पुलिस द्वारा एक बड़ा खुलासा करते हुए 21 युवकों को जुआ खेलते व एक दर्जन बार बालाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जुए के फर्श से 4 लाख रुपए व कैसीनो चिप्स बरामद किए गए। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल हल्द्वानी से मिली जानकारी के अनुसार, बीती सायं जूली कोर्ट के निकट एक होटल में अवैध रूप से जुआ खेलने की गोपनीय सूचना पर SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार SP क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र के दिशा निर्देशन व CO ऑपरेशन नितिन लोहनी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कल्लीदाल रोहता सिंह सागर व प्रभारी चौकी जूली कोर्ट नरेंद्र कुमार व SOG टीम प्रभारी राजवीर सिंह नेगी के साथ संयुक्त रूप से होटल में छापेमारी की गई, तो होटल के एक पारदर्शी हॉल में अवैध रूप से कैसीनो व जुआ खेला जा रहा था और जिन्हें होटल कर्मियों व बार बालाओं द्वारा अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। इस बारे में जब होटल कर्मियों से होटल में अवैध रूप से कैसीनो व जुआ खिलाने तथा शराब पिलाने का लाइसेंस मांगा गया तो वे असमर्थ रहे। इस पर जुआ कैसीनो खेल रहे लोगों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, पर एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी खोजबीन जारी है। मौके पर मौजूद अवैध रूप से जुआ खेल रहे 21 युवकों और 12 बालाओं को उनके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए थाना तल्लीताल लाया गया, जहाँ सभी के विरुद्ध थाना तल्लीताल में धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम और धारा 60/68 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। होटल में अवैध रूप से कैसीनो व जुआ खिलाने पर अवैध रूप से शराब परोसने के संबंध में होटल स्वामी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई। मामले का आज खुलासा करते हुए SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि लोगों से 4 लाख रुपए हमें कैसीनो टेबल से बरामद हुई, 1,68,000 रुपए जो ये लोग आ रखे थे कैसीनो खेलने के लिए उनके कब्जे से बरामद हुए। इसके अलावा कैसीनो के चिप्स हमें मिले हैं, जिसमें 3667 कैसीनो चिप्स गोल और 25 आयताकार कैसीनो चिप्स बरामद हुए हैं, जिनकी ये कैसीनो मार्केट में अलग अलग रेट है, अलग अलग कीमत है। इसके अलावा कुछ ताश की गड्डियाँ, कुछ शराब की बोतलें और कुछ सिगरेट की डिब्बियाँ मिली है। इसके साथ ही जो अभियुक्त गण थे उनके वाहन भी जब्त किए गए हैं। पिथौरागढ़ के भाटकोट क्षेत्र स्थित नगर पालिका के बारातघर में आज SC/ST शिक्षक एसोसिएशन का 2 दिवसीय मंडली अधिवेशन शुरू हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा की अध्यक्षता में आयोजित अधिवेशन का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुम्बाल, विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हवलदार प्रसाद, डाइट प्राचार्य SR कोहली, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार टमटा, प्रांति महामंत्री महेंद्र प्रकाश ने संयुक्त रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व सावित्री बाई फूले की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर किया। बुधवार को नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव होंगे। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय कुमार टमटा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रांतीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, आज हमारा पिथौरागढ़ में कुमाऊं मंडल का मंडलीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि यहाँ की दीपिका बोरा जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत पिथौरागढ़ और विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल जी, उनके माध्यम से हमारे द्वारा शिक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा गया है इसमें, और अपनी समस्याओं को रखा गया है। एक शैक्षिक ऑनलाइन गोष्ठी का किया गया है, उसके माध्यम से एक रखा गया है कि हम एक विभाग में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के एक अलग शिक्षक संगठन है, तो हमें इतनी स्वीकार्यता के आधार पर प्रांतीय स्तर पर संगठन स्तर मंडल और जिले स्तर पर एक प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता दी जाए और
इनका आश्वासन हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दिया भी गया है कि वो शिक्षा मंत्री के लिए महोदय से इस बार संबंध में बात करेंगे और निश्चित रूप से हमारी समस्याओं को उन तक पहुँचाएंगे और एक माध्यम के रूप में इस बात को स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही 20 सूत्रीय ज्ञापन उनको दिया गया है जिनके जिस पर उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट स्थित पावदेव ग्राम सभा की भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराए जाने से नाराज ग्रामीणों ने आज ग्राम प्रधान सुनीता देवी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि जी मैं ग्राम पंचायत पवदेव से आ गया हूँ विकास खंड बिन। हमारी एक गंभीर समस्या है कि कारागार विभाग द्वारा हमारे ग्राम सभा में बिना ग्राम प्रधान बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वो कारागार अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं जो सरासर गलत है, जिसमें हमारा शिव मंदिर है उससे लगी जमीन में ये जमीन में अतिक्रमण कर रहे हैं, उनमें गड्ढे बना रहे हैं, बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा पानी का स्रोत है वहाँ पे उसको नष्ट किया जा रहा है। और जो तीसरा हमारा जो नाना चारागाह भूमि है जो हमारे जो गौ पालक हैं जो गाय पाल के दूध चर्या कर रहे हैं उसको भी समाप्त करने की ये कागार में सरासर ये शासन प्रशासन सभी की मिली जुली भगत से ये हमारे ग्राम सभा पवदेव का उत्पीड़न किया जा रहा है। जो हमारी जमीनें हैं जो हमारे पुरखों ने सींचे सवार रखी हैं उसको ध्वस्त कर अपनी मर्जी से बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं जो सरासर गलत है, जिसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं ग्राम सभा यहाँ पे नाना पवदेव के सभी सम्मानित। इसके बाद अगर ये हमारी मांग ये है कि उस क्षेत्र में अतिक्रमण तुरंत से हटाया नहीं गया, अगर कोई भी खनन प्रतिक्रिया वहां पे की जाती है तो संपूर्ण ग्रामवासी हम लेके धरना प्रदर्शन करने में बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।